ऐ औरत क्यों है जिंदा अब तक तू, हाजिर दामन हजार ढकने तेरी आन, नाखूनों के लगे मेले नोचने तेरी शान। रखना है इज्जत बरकरार समाज की, तो खुद को पीस तो खुद को मार। कश्मकश में तेरी जिंदगी मामूली सी, बड़ी बेटी बहन पत्नी बहू और माँ भी। ओ बेवकूफ बन सकी ना इंसान तू, ऐ औरत क्यों है अब तक जिंदा तू। मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं अब तक। चलिए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, हमारा देश स्वस्थ हो जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत को सुन के आप समझ गए होंगे कि आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो लेके नहीं आई हूँ। जी हाँ, आज का कॉन्टेंट है थोड़ा अलग। एक नया सेगमेंट हम यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं और इस नए शो का नाम है अल्फाजों का सफर, जहां पर मैं एक टॉपिक को सिलेक्ट करूंगी, उस टॉपिक के ऊपर मेरे पसंदीदा किसी कवि के कुछ बेहद खूबसूरत रचनाएं मैं आपको सुनाऊंगी। बाद में उसी टॉपिक पर मैं अपनी कविताएं भी आपके सामने पेश करूंगी और मेरे कुछ थॉट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नए शो के पहले एपिसोड में आज हमारा टॉपिक है औरत, और जिस नज्म को मैं सुनाने जा रही हूँ उसी का भी नाम है औरत, जिसको लिखा है हमारे देश के जाने माने कवि कैफी आजमी साहब ने, जिन्होंने अपने काफी सारे बेहतरीन गजल, फिल्मी गाने और कविताओं के जरिए अनगिनत दिलों को छुआ है। और इस कविता के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ ऑल टाइम्स अबाउट वुमेन। तो कवि कहते हैं, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल बे माहौल बे लर्जान शरारे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीत के यक्रम है आज, आप गीनों में तपावल वलये संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फिरदौस से तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब और तरक्की का मदार, तेरी आगोश है गहवारे नफ्सों किरदार, ताबके गिर्द तेरे वहम और तय्युन का हिसार, कौंद कर बजली से खलवत से निकलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बनके सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है, जीज के आह में सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है नकद खामे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल, सोफे शरत से निकल, वहम नजाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्का अस्मत से निकल, कैद ब
निकल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ये अजमशिकन दगदगे बंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़, तौक ये भी है जमूरत का गुलूबंद भी तोड़, तोड़ पैमाने मर्दाने खिरदमंद भी तोड़, बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून और अस्तू है तू जरा परवीन, तेरे कब्जे में है गर्दू तेरे ठोकर में जमीन, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबीन, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ब्यूटिफुल, दिस पोएट्री इज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल द विमेन। इस नज्म को आज़मी साहब ने लिखा था तकरीबन 1940 के आसपास के समय में, उस वक्त हमारे देश में औरतें जिस हालात से गुजर रही थी वे इसमें सुधार लाना चाहते हैं, और आज के तारीख में ऐसा कहा जा सकता है कि वो सुधार आया है, कभी जो चाहते थे वो काफी हद तक मुमकिन हुआ है, लेकिन लड़ाई अभी भी बाकी है। ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि रोशनी पहुंच तो गई है लेकिन कुछ कोने छूट गए हैं, और इसी विषय में मैं अपनी एक कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मेरी कहानी, दायरा क्या है जानू हूँ मैं, मुझको न सिखाओ साहेब जी, घर से आंगन 32 कदम गिन के काटी जीवन अपनी, चुनरी न सड़के चेहरे से सीने से जब तक घर में हूँ, लाज का ख्याल रखते हो क्या जब खेत में काम करती हूँ, औरत की कमाई हराम है निवाला ना निगल पाते हो, बर्तन मांज के पैसा लाओ दारू में उड़ा सकते हो, घर की इज्जत हूँ मैं बाबू पढ़ाई और प्यार का हक है नहीं, जब मर्जी तुम नोच खाओ या गोली मार दो वो सही, दाना पानी खिलाते हो मुझे तो अपनी तानोगे, आखिरी कंगन तक बेच के मेरा जुए में पैसा लगाओगे, दूसरी बेटी दूसरी बहन बोझ सर पर लगती है, दूसरी पत्नी दूसरी औरत मर्दानगी की निशानी होती है, वैश्या हूँ मैं पापी हूँ मेरे बच्चे कीड़े मकोड़े हैं, तुम साथ में लेके चलते दूध कर्म तुम्हारे धुल जाते हैं, बेटी तुम्हारी लक्ष्मी का रूप लेकिन उसी का आना रोकते हो, बेटों की फौज चाहे समाज जोड़ू को गाय बनाते हो, खत्म न हुई कहानी अपनी रोशनी की तरफ भी देखी लो, जहां मेम साहब कहलाती औरत अनजान कारण से मरती हो, तरक्की पे हक तुम्हारा है मेहनत सारी तुम करते हो, मुझे सजने से फुर्सत मिले तो जवानी का झांसा भी देती हूँ, खूब पढ़ाई मैंने भी की अब औरत के गुण सीखने हैं, पढ़ाई अमानत बन के चलती हूँ घर का चिराग तो भाई है, पुलिस बन के क्या करूंगी मैं हवाई जहाज कैसे उड़ाऊंगी, तुम्हारा हंसना सही है जब ऑटो चलाते दिख जाऊंगी, नौकरी भले ही मैं कर लूं मगर दुनियादारी तुम समझते हो, घर की जिम्मेवारी मेरी बैंक का खाता तुम्हारा हो, ब्यूटी पार्लर की लत मुझे है हाय राम छोटे कपड़े पहनती हूँ, गोरी चिट्टी अधनंगी पे तुम तो आंख भी ना डालते हो, खुद के दम पे हूँ कामयाब फिर भी समाज में स्थान थोड़ा नीचे, तुम्हारे नाम से पहचान है मेरी चलना है तुम्हारे पीछे, हाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसके चलते आज भी हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहां औरतों पे शोषण जारी है, इनलाइटेंड सोसाइटी हम जिसको कहते हैं वहां भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है, लेकिन ये भी यहाँ पर कह देना बहुत जरूरी है कि ये जो हालात है इसके लिए सिर्फ मर्द रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काफी हद तक हम औरतें भी इसको चलने दे रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में एक और चीज देख के दुख होता है,
सोसाइटी में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनको एक अच्छी जिंदगी नसीब हुई है, लेकिन वो उसका मान नहीं रख पा रही है, फ्रीडम और फेमिनिज्म का सही मतलब समझ ही नहीं पा रही है। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां। भाग तुम्हारे खुल गए हैं, समझो लुगाइयों छोरियों, आजादी को धुएं में उड़ा के शराब में घोल के मत पियो, रंगीन दुनिया से निकलो तुम, आराम के बिस्तर से अब उठ लो, कर्म तुम्हारी ऊंचाइयां छुए, सम्मान थोड़ा बटोर लो, सही गलत का भेद जानो तुम, नई पीढ़ी को सीख दो, इट्स हर चॉइस कि बोली भूल कर नए दौड़ की कहानी लिख दो। और इस नए दौड़ की कहानी को सालों से लगातार लिखती चली जा रही है जो औरतें, उनको शत शत नमन। इन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से पूरी औरत जात के सर को फक्र से ऊंचा कर दिया है। इन्होंने हमें वो वजह दी जिसके लिए हम औरत होने पे गर्व महसूस कर सके। इन औरतों के जज्बे को सलाम करते हुए मेरे दिल से आखिरी कुछ पंक्तियां। ऐ मेरी रूह, ऐसे न सर झुकाया करो, उठती है उंगलियां उठने दो, पूछते हैं सवाल पूछने दो, खुद की तुम पहचान बनाया करो, ऐसे न सर झुकाया करो, रोकते हैं उड़ान रुकने ना दो, हर मुकाम पर अपनी कदम रख दो, औरत होने का जश्न मनाया करो, ऐसे ना सर झुकाया करो, औरत होने का जश्न मनाया करो, ऐसे ना सर झुकाया करो। हमारे अल्फाजों का सफर आज यहीं तक। आशा करते हैं ये स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज आपकी राय, आपकी सोच कमेंट करके बताएं। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं इस सेगमेंट के लिए, कवि का नाम भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जिनकी रचना आप सुनना चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सफर ये जारी रहेगा, मैं आपसे मिलूंगी अगले मोड पर, तब तक के लिए अलविदा।